लोहरदगा जिला परिवहन विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा जिले में चलने वाली स्कूल बसों की जांच की गई। जांच के दौरान कई खामियां पाई गई। सभी स्कूल के प्रिंसिपल जिनके द्वारा बसों का संचालन किया जाता है, उनको निर्देश दिया गया है कि एक सप्ताह के अंदर अपने बसों को दुरुस्त करवा लें, अन्यथा एमवी एक्ट के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इस जांच के दौरान जांच दल में जिला परिवहन पदाधिकारी अमित बेसरा के साथ मोटरयान निरीक्षक सिरिल बेसरा एवं सड़क सुरक्षा के इंजीनियर भी शामिल थे। स्कूल बसों की है जो कि जांच की गई है और लोहरदगा जिला के अंतर्गत है, जो कि हम लोगों ने 9 स्कूल बसों की है जो कि जांच की है। इसमें है जो कि विभिन्न स्कूलों के बसेस थी। इसमें हम लोगों ने है जो कि पाया है कि कई बसेस हैं जिन पे जिनके यहाँ है जो कि मेडिकल किट नहीं है, तो जिनके यहाँ है जो कि फायर फैटी जो लगा हुआ है वो एक्सपायरी डेट के हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने हर एक स्कूल के प्रधानाध्यापक को है जो कि निर्देश दिया है कि वो कम से कम है जो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट का जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग है जो कि सारी चीज़ों को दुरुस्त करें, अन्यथा एक सप्ताह के अंदर जब है जो कि पुनः है जो कि जांच लगाई जाएगी और इस तरीके की त्रुटियां पाई जाती है तो उन पे है जो कि समुचित कार्रवाई भी की जाएगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।